पलवल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने करीब 25 लाख रुपए से भरे एटीएम को उखाड़ कर ले जाने व 5,000 रुपए के इनामी घोषित तीन और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि एक आरोपी को सीआईए होडल पहले ही गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है, जबकि इस गिरोह के 5 और आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। पलवल हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि सीआईए पलवल इंचार्ज विश गौरव को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि न्यू कॉलोनी स्थित करीब 25 लाख रुपए से भरे पीएनबी बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले जाने वाले तीन आरोपी जिले में मौजूद हैं, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही इंचार्ज विश गौरव के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने मौके पर दबिश दी और तीन लोगों को काबू कर लिया गया, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम रणवीर उर्फ राणा पुत्र रतिराम निवासी धांधुका जिला नुह, किरसन उर्फ छोटू पुत्र बीरपाल निवासी आजमपुर गांव जिला बुलंदशहर यूपी व इस्लाम पुत्र फारूक निवासी संजय कॉलोनी पलवल बताया। तीनों आरोपियों ने आसपास के जिलों में एटीएम उखाड़ने की कई वारदातों को अंजाम दिया है, जिन पर उन जिले की पुलिस की तरफ से भी इनाम घोषित किया गया है, जबकि पलवल पुलिस द्वारा इन तीनों पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। गहन पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर 1 मई की रात्रि को न्यू कॉलोनी स्थित पीएनबी बैंक की एटीएम मशीन को उखाड़ा था। एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिससे 1,10,000 रुपये की नकदी व एक स्कॉर्पियो कार जिसकी मदद से एटीएम मशीन को उखाड़ा गया था उसे बरामद कर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। फिलहाल काबू किए गए आरोपियों से रुपयों की बरामदगी, एक एसयूवी कार जिससे आरोपियों ने एटीएम की रैकी की व फरार चल रहे उनके 5 अन्य आरोपियों के बारे में पता लगाने के लिए अदालत में पेश करके 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस संबंध में बैंक मैनेजर सोहन लाल निवासी पश्चिम बिहार दिल्ली की शिकायत पर कैंप थाना में मामला दर्ज किया गया था। 1 मई 2022 को रात्रि में सदानंद पार्क न्यू कॉलोनी पलवल के सामने पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कुछ अज्ञात व्यक्ति उखाड़ ले गए थे। उसी में आगे कार्रवाई करते हुए कल शाम को हमारे सीआईए इंस्पेक्टर और इनकी टीम ने रणवीर उर्फ राणा धांधुका थाना सदरनू, किरसन उर्फ छोटू ये आजमपुर हुसैनपुर थाना ककोट जिला बुलंदशहर, इस्लाम पुत्र फारूक निवासी संजय कॉलोनी पलवल इनको गिरफ्तार किया है और आज इनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इनका 3 दिन का रिमांड लिया गया है। जो इस दौरान इनसे जो इस घटना में जो पैसे गए थे उनकी रिकवरी करेंगे और जो गाड़ी एसयूवी 500 जिससे रैकी की थी वो और जो इसमें शामिल रहे हैं बकाया मुलजिम उनकी ठिकानों का पता करके उनको भी गिरफ्तार किया जाए। कितने आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है, कितने और हैं देंगे जो इसमें? एक वसीम नामक मुलजिम को पहले गिरफ्तार किया गया था और 3 को कल गिरफ्तार किया गया था। और भी हैं? हाँ, इसमें और भी मुकदमे दर्ज हैं। हाँ, इसमें रणवीर उर्फ राणा के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं और ये इनामी बदमाश हैं। रणवीर उर्फ राणा के खिलाफ झुंझुनू जिला में चिड़ावा और उसके आसपास के इलाकों में एटीएम के ही मुकदमे दर्ज हैं। अभी तक कितना पैसा इसमें रिकवर कर लिया गया है? पहले आरोपी गिरफ्तार हुए, अभी जो वसीम हुआ था उसके हिस्से में जो आए थे वो 1,10,000 रुपये रिकवर किए गए हैं। एक गाड़ी जो इस घटना में जिसको यूज करते हुए एटीएम उखाड़ के ले गए थे वो स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। कितने रुपये का इनाम किया गया है पलवल पुलिस की तरफ से? इसके ऊपर 5,000 रुपये पलवल पुलिस की तरफ से और 2,000 रुपये का इनाम राजस्थान के। तीनों पर 5,000 रुपये, इन तीनों के ऊपर।